सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट कीबोर्ड, और फिर कर लेंगे इसको ओपन। ओपन करने के बाद इसको कर लेंगे हम यहाँ से इनेबल, और सिलेक्ट स्विफ्ट की पे क्लिक करके हम सिलेक्ट कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट का कीबोर्ड। अब आपको ओपन कर लेना है कोई ऐप जहाँ पर कीबोर्ड का यूज होता हो, फिर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और अब सेटिंग्स पर, और अब हम क्लिक करेंगे टाइपिंग पर। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कर्सर कंट्रोल ये ऑन है कि नहीं, अगर ऑफ हो तो इसको ऑन कर लेना। अब मान लीजिए हम अपने किसी दोस्त को मैसेज कर रहे हैं, हमने बड़ा सा मैसेज लिखा, उसके बाद हम देखते हैं कि ऊपर हमने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी है। अब वहाँ पर हम अपनी फिंगर से टच करते हैं एडिट करने के लिए। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम टच कहीं और करते हैं स्क्रीन में और पहुँच कहीं और जाते हैं। अब हम स्पेस बार बटन होल्ड करेंगे और कुछ इस तरह से ड्रैग करके हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पर पहुँच जाएंगे एडिट करने के लिए बहुत आसानी से। तो आज से आपकी ये प्रॉब्लम होती है ख़त्म। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, खाना खा लिया, इस तरह के मैसेज जो हम रोज़ भेजते हैं लोगों को। अगर मैं आपसे बोलूं ये मैसेज आपको लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक क्लिक करना है और ये मैसेज ऑटोमेटिक लिख जाएगा पूरा। इस ट्रिक के लिए आपको कोई भी एक ऐसा ऐप ओपन कर लेना है जहाँ पर कीबोर्ड का यूज होता हो। तो जहाँ पर टेक्स्ट लिखा जाता है वहाँ पे होल्ड करना है आपको फिंगर, और फ्रीक्वेंट फ्रेसेस में आपको क्लिक करना है, ये देखिए, और ऊपर एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऐड पर। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे अपना वो मैसेज जो हम ज़्यादातर लोगों को हर दिन भेजते हैं, जैसे हो गया हाउ आर यू, ओके कर देंगे और फिर से ऐड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे दूसरा मैसेज। इसी तरह से आपको सारे मैसेज सेव कर लेने हैं जितने भी आप यहाँ पे करना चाहते हैं। ये ऑप्शन सभी एंड्रॉयड मोबाइल में होता है, अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे वीडियो में मैं आपको दूसरी ट्रिक बताने वाला हूँ सेम इसी तरह की, जिससे आपका ये वाला काम हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ मैसेज लिख लिए, अब मैं कर दूँगा बैक। जहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना है वहाँ पर आपको होल्ड करनी है अपनी फिंगर, फ्रीक्वेंट फ्रेसेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सारे मैसेज दिख जाएंगे, आपको किसी भी एक मैसेज पर क्लिक कर देना है और सेंड कर देना है, डायरेक्ट वो मैसेज लिख जाएगा, बस आपको उस मैसेज पर क्लिक करना है। अगर आपके मोबाइल में फ्रीक्वेंट फ्रेसेस का ऑप्शन नहीं है तो आपको कीबोर्ड में बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लिपबोर्ड है ये, और फिर ऊपर मैनेज पर क्लिक करना है आपको, और अब हम क्लिक करेंगे ऊपर ऐड ए न्यू क्लिप पर। क्लिप कंटेंट में आपको लिख लेना है अपना मैसेज, शॉर्टकट ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है लिखना, इसका यूज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने क्लिप कंटेंट में लिखा गुड मॉर्निंग, शॉर्टकट में आप लिख देंगे गो या फिर लिख देंगे गुड। अगली बार जब आप टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग में अगर आप गुड लिख देंगे तो नीचे आप देख सकते हैं तीन वर्ड सजेस्ट कर रहा है, तो बीच में आपको गुड मॉर्निंग अपने आप दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके ऑटोमेटिक लिख जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया ये क्लिप, इस तरह से आप और भी ढेर सारे सेव कर सकते हैं। अब हम क्लिक करेंगे क्लिप बोर्ड पर, जितने भी मैसेज हमने वहाँ पर लिखे थे सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अगर आप पिन करना चाहते हैं किसी मैसेज को तो आप पिन कर सकते हैं, अगर आप उस मैसेज को सेंड करना चाहते हैं तो उस मैसेज पर आपको एक बार क्लिक कर देना है, वो मैसेज ऑटोमेटिक लिख जाएगा और आप सेंड कर सकते हैं उसको। अगर आपको क्लिपबोर्ड से कोई मैसेज डिलीट करना है तो इस तरह से आपको स्वाइप कर देना है और डिलीट हो जाएगा, लेकिन आप पहले चेक कर लेना वो मैसेज पिन है कि अनपिन है, अगर अनपिन होगा तभी डिलीट कर पाएंगे आप। नेक्स्ट ट्रिक के लिए आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग पर, रिच इनपुट पर, क्लिपबोर्ड पर,
रिमेंबर कॉपीड आइटम्स, ध्यान से देख लेना ये ऑन हो। अगर हम कोई टेक्स्ट कॉपी करते हैं और फिर उसके बाद दूसरा टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं तो पुराना वाला चला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट कीबोर्ड अगर आपने ऑन कर रखा है, उसके बाद अगर आप कोई भी टेक्स्ट कॉपी करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दो टेक्स्ट कॉपी किए और ये तीसरा कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मैं एक और कर लेता हूँ। इसके बाद अब मुझे जहाँ पे ये टेक्स्ट पेस्ट करना है वहाँ पे मैं कीबोर्ड ओपन करूँगा और क्लिपबोर्ड पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप देखिए चार टेक्स्ट मैंने कॉपी किए थे, वो चारों यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं बस एक बार क्लिक करूँगा जो भी टेक्स्ट मैं पेस्ट करना चाहता हूँ और सेंड कर दूँगा। यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट हमने कॉपी किए ये सारे टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में सिर्फ एक घंटे तक रहेंगे, एक घंटे बाद ये गायब हो जाएंगे। अगर आप इनको चाहते हैं कि एक घंटे के बाद भी ये यहाँ पर रहें तो इनको पिन कर लेना। तो आज की ट्रिक्स कुछ यही थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।